नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम लोग फिर हाजिर हैं आपकी सेवा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसको खास तौर पर व्रत के दिनों में खाया जाता है। और इसको क्यों खाना चाहिए, इसके क्या कुछ फ़ायदे होते हैं, क्या यह पौष्टिक होता है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। एक छोटी सी दरख्वास्त है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें काफ़ी खुशी मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं, जो लोग नहीं जानते रामदाना या फिर राजगिरा क्या होता है, तो उनको इसका सबसे पहले थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा व्रत के दिनों में किया जाता है। राजगिरे के आटे का पराठा या फिर हलवा बनाकर व्रत के दिनों में खाया जाता है। इसके अलावा रामदाना के लड्डू भी नवरात्रि के व्रत में विशेष रूप से खाए जाते हैं। रामदाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद फल आहार है, इसे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रामदाना यानी कि राजगिरा क्या चीज़ होती है। दोस्तों, राजगिरा या फिर रामदाना एक खाने वाला आहार है। दोस्तों, यह अमरनाथ का बीज होता है। अमरनाथ को हिंदी में चौलाई भी कहा जाता है, यानी कि रामदाना चौलाई के बीज हैं, लेकिन यह हरी चौलाई के नहीं होकर लाल चौलाई के बीज होते हैं। लाल चौलाई को लाल साग या लाल भाजी भी कहा जाता है। इसी लाल चौलाई के बीजों को राजगिरा या फिर रामदाना कहा जाता है। दोस्तों, लाल चौलाई वही साग है जिसमें पालक के मुकाबले ज़्यादा आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। चौलाई साग खाने के भी बहुत फायदे हैं। चौलाई के बीजों को रामदाना कहा जाता है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, रामदाना का नाम शायद भगवान राम के नाम से पड़ा होगा। शायद भगवान राम ने इसे व्रत के दिनों में खाया हो, तभी व्रत के दिनों में रामदाना को फलाहार के नाम से रूप से सेवन किया जाता है। दोस्तों, रामदाना विश्व का सबसे प्राचीन आहार है और इसे इंग्लिश में अमरनाथ ग्रेन कहा जाता है। अब बात ये आती है दोस्तों कि क्या ये रामदाना पौष्टिक है। दोस्तों, पौष्टिकता की अगर बात करें तो रामदाने में गेहूं की तुलना में ज़्यादा आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। इसे धान और मकई से भी ज़्यादा पौष्टिक आहार माना जाता है। रामदाना खाने से मछली के सेवन जितना प्रोटीन प्राप्त होता है, यानी कि शाकाहारी लोगों के लिए रामदाना प्रोटीन का एक उच्चतम सोर्स होता है। इसका नाम किसी पहेली से कम नहीं है। दोस्तों, भारत में ये कहाँ से आया, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। प्राचीन युग में किसान इसे खाकर एनर्जेटिक होते थे, इसलिए उन्होंने भगवान का धन्यवाद करने के लिए इसका नाम शायद रामदाना यानी कि भगवान का दाना रख दिया है। इसके अलावा अंग्रेजी में इसे अमरनाथ कहते हैं, जिसका मतलब मृत्यु के खतरे को कम करना होता है। राजगिरे का आटा और दाना दोनों ही तरीकों से खाया जाता है। जब यह फूल जाते हैं तो इसकी खीर या चक्की बनाकर भी इसको खाया जा सकता है। अब दोस्तों, अब बात यह आती है कि इसको खाना क्यों ज़रूरी है, क्यों खाएं हम इसे। तो दोस्तों, रामदाना खाने में सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि ये ज़्यादा हल्का होता है। यह प्रोटीन का खजाना माना जाता है। इसमें आयरन, फाइबर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर जैसे मिनरल्स उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। राजगिरा में लाइसिन एमिनो एसिड भी होता है। अगर आप रामदाने को अन्य अनाजों के साथ मिलाकर खाते हैं, खास करके मक्की के साथ इसको, तो शरीर में ऐसे एमिनो का बैलेंस बनेगा जो मीट और दूध से भी ज़्यादा होगा। जी हाँ दोस्तों, रामदाना में पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उपवास में इसके लड्डू, खीर या इसके आटे से बना हलवा पूड़ी आदि बनाकर खाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि रामदाना यानी कि राजगिरा खाने के क्या क्या लाजवाब फ़ायदे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, रामदाना में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसके सेवन से हड्डियों में कोई बीमारी नहीं होती है। इसमें दूध के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जिससे आपकी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत बन जाती है। इसके अलावा शोध के अनुसार यह प्रोटीन का एक बढ़िया सोर्स है, जिसकी वजह से इसे खाने से भूख शांत होती है। इसलिए व्रत के दिनों में राजगिरे के आटे का हलवा या रामदाना के लड्डू या खीर बनाकर खाया जाता है, जिससे उपवास करने वाले लोगों को भूख नहीं लगती है और उनके शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है।
इसके अलावा जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है वह रामदाना को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। यह ग्लूटेन फ्री होता है। ग्लूटेन एक ऐसा तत्व होता है जो दोस्तों जो गेहूं जैसे अन्य अनाजों में पाया जाता है। जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है वे ग्लूटेन वाले आहार को पचा नहीं पाते। ऐसे में उन लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होता है। इसके अलावा यह माइग्रेन से आराम दिलाता है। गेहूं से बढ़िया इसे माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और भी इसके अन्य फायदे इस प्रकार थे। तो दोस्तों देखा आपने रामदाना और राजगिरा जिसे हम व्रत के दिनों में खाते हैं लेकिन इसकी खूबियों को अच्छी तरह से पहचानते नहीं थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी इसके बारे में अच्छी तरह से मिली होगी। तो मेरी जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें ताकि सभी को ये बात पता चले। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।